अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। ओके गाइस, तो हम स्टार्ट करते हैं यूवेटिस में। अगला टॉपिक जो है हमारे पास क्रॉनिक एंटीरियर यूवेटिस। इससे पहले हमने एक्यूट एंटीरियर यूवेटिस किया था, एंड आई टोल्ड यू कि जो एंटीरियर यूवेटिस का लफ्ज जब भी आएगा तो आपके जहन में फौरी तौर पर आना चाहिए कि हमारे पास एंटीरियर में हम दो चीज़ों से डील कर रहे होते हैं, आयरिस से एंड सिलरी बॉडी के पार्स प्लेकेटा वाले पोर्शन से। ठीक है, तो आपके जहन में हमेशा एंटीरियर यूवेटिस में आयरिस एंड सिलरी बॉडी का पार्स प्लेकेटा, या खाली सिलरी बॉडी कहेंगे तो इट्स फाइन, लेकिन ज्यादा स्पेसिफिक होगा तो उसका जो इंटीरियर पार्ट होता है पार्स प्लेकेटा विच इज द रफ पोर्शन, वो इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो आपके पास इंटीरियर यूवेटिस होता है। इंटीरियर यूवेटिस में हमने कहा था कि 3 महीने 3 मंथ्स का टाइम होता है। अगर आपका 3 महीने से कम की ड्यूरेशन के साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है, 1-2 हफ्ते 4 हफ्ते या 6 हफ्ते, ये सारा टाइम 3 महीने से कम का है, तो उसमें आपके पास उसको हम कहते हैं एक्यूट यूवियाइटिस। या फिर जब आपका पेशेंट 3 महीने से ज्यादा का टाइम लेके प्रेजेंट करता है, मतलब वो कहता है कि मुझे आंख में हल्का हल्का दर्द होता है और सही नजर नहीं आता, धुंधला नजर आता है, और उस बात को 5 महीने गुजर गए हैं, ठीक है, ये 6 महीने गुजर गए, तो ये फिर आपका वो हिस्ट्री जो 3 महीने से ज्यादा प्रोलॉन्ग्ड है। आप उसे पूछते हैं कि क्या ये मुसलसल 6 महीने से ऐसा ही है, एक ही जैसा है, या फिर बीच में बिल्कुल ठीक भी होता था, या फिर ऐसा हुआ कि शुरू कम से हुआ था और अब ज्यादा होता गया। तो फिर आपको हिस्ट्री गाइड करती है कि एक्चुअली उसका एक्यूट है या क्रॉनिक है, बिकॉज समटाइम्स आपकी कंडीशन ऐसी होती है पेशेंट की कि उसका बीच शुरू में एक एपिसोड हुई हुई होती है 6 महीने पहले और वो ठीक हो चुकी होती है, और अब उसको सेकेंड एपिसोड हुई हुई होती है, तो इसको हम फिर क्रॉनिक नहीं कहते, क्योंकि जो बीच में बिल्कुल ठीक हो जाए और 3 महीने के बाद रिलैप्स करे, ये सब रिकरेंट में आता है। ठीक है, तो जब आपका पेशेंट मुसलसल कहेगा कि ये चीज़ मुसलसल तब से है और ठीक नहीं हुई बीच में, या ठीक हुई भी है तो 10 दिन के लिए हुई थी फिर हो गई दोबारा से, तो ये आपके पास जो हिस्ट्री आती है वो क्रॉनिक की आती है। तो आपको क्रॉनिक को पहले डायग्नोज करने का तरीका आना चाहिए। ठीक है, हिस्ट्री लाजमी अच्छी सी लेनी होती है। तो बहरहाल 3 मंथ से ज़्यादा का जिसको टाइम हो जाता है और उसके बीच में वो जल्दी ठीक नहीं हुआ होता, उसको हम कहते हैं क्रॉनिक यूवियाइटिस। और अगर इंटीरियर पोर्शन को इन्वॉल्व करेगा, यानी आयरिस और पार्स प्लेकेटा को, तो क्रॉनिक इंटीरियर यूवियाइटिस हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल है, इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इसलिए आपने याद रखना है कि इसमें हमारे पास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल आता है, और आपसे एमसीक्यू वाइवा एमसीक्यू का सवाल है केराटिक प्रेसिपिटेट्स के। आप वो पूछते हैं आपसे कि व्हाट आर मटन फैट केराटिक प्रेसिपिटेट्स, ठीक है, एक ये बात, और दूसरा व्हाट आर केपीज एंड बोसाका नोड्यूल्स। ठीक है, इंतहाई सिंपल सी चीज़ है और आपसे बहुत ज़्यादा पूछते हैं, तो सिंपल है। सब देखते हैं कि हमारे पास ये तो हो गया क्रॉनिक इंटीरियर यूवेटिस। मैंने आपको बता दिया कि ये आपका वो वाला यूवेटिस जिसमें आयरिस पार्स प्लेकेटा है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है, 3 महीने से ज़्यादा का टाइम पेशेंट को हो चुका है। अब आपको पता है कि जब भी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है तो उसके कौन से करेक्टरिस्टिक्स है। हमने बात पढ़ी थी कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में मैक्रोफेजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लिम्फोसाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये सारी बातें हमने पढ़ी हुई है ना, तो अब यही होगा। ठीक है, और अक्सर औकात कुछ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऐसी होती हैं जिनके रिजल्ट में ग्रेनुलोमास बन जाते हैं, जैसे ट्यूबरकुलोसिस में होता है कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है ना टीबी का, जब कीड़ा करता है तो ग्रेनुलोमा बनता है। ग्रेनुलोमा में क्या होते हैं, आपके लार्ज जाइंट सेल्स होते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं और एपिथेलॉइड सेल्स होते हैं। ये सारे ग्रेनुलोमा किस तरह बनते हैं, सेंटर में केजीएस नेक्रोसिस होता है, उसके साइड पे आपके मैक्रोफेजेस और जाइंट सेल्स और एपिथेलॉइड सेल्स वगैरह ऑर्गेनाइज हुए हुए होते हैं। ये सारी चीजें बेसिकली क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं, जो कि जो आपका पॉजिटिव एंटीजन है उससे लड़ते लड़ते इस तरह हो जाते हैं। अब जो कॉजेज ऑफ इंटीरियर या पोस्टीरियर यूवेटिस है, वो सारी की सारी तो मैंने आपको शुरू में एक दफ़ा बता दी थी कि क्या क्या एटियोलॉजी हो सकती है जो कर सकती है। ठीक है, तो मैंने आपको इंटीरियर यूवेटिस पढ़ाने से पहले ही सिंपल जब यूवेटिस बताया था तब मैंने आपको कॉजेज उसकी बता दी थी कि आपकी इन्फेक्टिव और नॉन इन्फेक्टिव कॉजेज हो सकती हैं, तो कॉजेज वही सारी हैं। ठीक है, वो दोबारा हम रिपीट नहीं करेंगे। जो बात आप करेंगे वो ये कि अब इंटीरियर जो क्रॉनिक यूवेटिस होगा उसमें क्लिनिकल फीचर्स क्या आएंगे। तो अब हमारे पास सबसे पहली बात है कि जो पेशेंट का ये क्रॉनिक यूवेटिस होता है ना, इसमें आंख बहुत ज़्यादा रेड नहीं होती, ठीक है, आई वाइट ही होती है। बच्चे बहुत ज़्यादा गलत करते हैं इस चीज़ को, आई वाइट इस वजह से होती है क्योंकि ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है, ये एकदम सडन आपकी वैस्कुलर एडिमा और वो वाला करने वाला प्रोसेस नहीं है कि आंख लाल सुर्ख हो जाएगी। हो सकता है हल्की सी पिंकिश हो, लेकिन पिंक भी नहीं होती, नॉर्मली वाइट ही होती है, क्योंकि आपका ये आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होने वाली इन्फ्लेमेशन होती है, तो इसलिए इसमें ज़्यादा मसला नहीं डेवलप होता आंख के कलर में। उसके बाद हमारे पास जो सेल्स होंगे, कौन से सेल्स, इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो फ्लेयर सेल्स हैं और जितने इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं वो जरूर आपके प्रेजेंट होंगे। कहाँ पर होंगे, आयरिस और सिलरी बॉडी अगर इन्वॉल्व हो रही है तो डेफिनेटली ये सेल्स आपके एक्वस ह्यूमर में होंगे, क्योंकि आई में यहाँ पर है ना, ये आयरिस आ गया, ठीक है, और ये उसके पीछे आगे सिलरी बॉडी और उसका पार्स प्लेकेट और उसके पीछे आपका कोरोइड शुरू हो जाता है, तो यहाँ एक्वस ह्यूमर में आपको फ्लेयर एंड सेल्स मिलेंगे। अगली जो इंतहाई इंपॉर्टेंट बात है वो है केराटिक प्रेसिपिटेट्स। मैंने आपको पहले बताया था कि केराटिक प्रेसिपिटेट्स जो है ना वो आपका, मैंने आपको जब कॉर्निया पढ़ाया था तो आई टोल्ड यू कि कॉर्निया की होती है 5 लेयर्स। आगे से पीछे जाएं तो हमारे पास होते हैं सबसे पहले एपिथीलियम होती है, फिर होते हैं हमारे पास डेस्मेंड्स मेम्ब्रेन होता है मेरे ख्याल है, उसके बाद स्ट्रोमा होता है बहुत सारा थिक सा,
उसके बाद वोमेंस मेम्ब्रेन होती है, फिर एंडोथीलियम होती है। मेम्ब्रेन इसकी आगे पीछे देख लेना, मेरे जहन में क्लियर नहीं है, लेकिन जो पांच लेयर्स हैं उनमें एपिथीलियम से शुरू हो रहा होता है, कॉर्निया और एंडोथीलियम तक जाते हैं, ठीक है, ये बात तो याद रखनी है। अब हमारे पास जो एंडोथीलियम है, इट इज द इनर पोर्शन ऑफ कॉर्निया, और एंडोथीलियम की हेल्थ के इंपॉर्टेंट होना पूरे कॉर्निया के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एंडोथीलियम से ही आपके नए सेल्स जनरेट करते हैं जो आपके कॉर्निया को बार बार रीजेनरेट करते रहते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या हुआ कि यहाँ पर इस जगह पर इंफ्लेमेशन है, ठीक है, आयरिस और सिलरी बॉडी में, तो जाहिर है जितने भी इंफ्लेमेटरी सेल्स हैं वो सब कुछ आपके एक्वस ह्यूमर में भी प्रेजेंट होंगे, और वो एक्वस ह्यूमर से आपके यहाँ पर इनर पोर्शन ऑफ कॉर्निया के ऊपर भी जाकर लग जाते हैं, ठीक है। तो जो आपके इनर पोर्शन ऑफ कॉर्निया के ऊपर प्रेसिपिटेट्स, यानी एंडोथीलियम के ऊपर प्रेसिपिटेट्स से लग जाते हैं, उनको हम केराटिक प्रेसिपिटेट्स कहते हैं, केराटिक फॉर कॉर्निया, प्रेसिपिटेट फॉर द जो सेल्स वहां पर आकर लग गए। और कौन से सेल होते हैं? इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं डेफिनेटली। अब याद रखना है आपने कि हमारे पास जो यहाँ पर क्रॉनिक यूवियाइटिस है, मैंने उसमें कहा है कि हमारे पास जो सेल्स होंगे क्रॉनिक यूवियाइटिस के या क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के, वो लार्ज मैक्रोफेजेस होते हैं, ऐसा ही है ना। एक्यूट इन्फ्लेमेशन के सेल्स कौन से होते हैं? छोटे न्यूट्रोफिल्स होते हैं और मोनोसाइट्स होते हैं, मोस्ट कॉमनली पहले जो सेल्स आएंगे, जबकि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में लार्ज मैक्रोफेजेस मिलेंगे, जाइंट सेल्स, एपिथेलॉइड सेल्स, अब ये सारे लार्ज होते हैं। तो जब जाके ये आपके कॉर्निया के एंडोथीलियम पे डिपॉजिट होंगे, तो लार्ज लार्ज से सेल्स आपको मिलते हैं, जो कि जिनको हम कहते हैं कि ग्रीसी का सा उनका अपेयरेंस होता है, येलो सा, ग्रीसी, ग्रे, येलोइश सा, इस किस्म का उनका अपेयरेंस होता है, और लार्ज और इरेगुलर शेप्ड होते हैं, इसलिए उनको हम कहते हैं मटन फैट केराटिक प्रेसिपिटेट्स, ठीक है। जिस तरह आप समझ लें कि गोश्त की चर्बी होती है ना, इसको नाम वैसे उससे रिजेम्बलेंस से दे दिए, अदरवाइज कैसे उसमें बात नहीं है कि मटन फैट यहाँ प्रेजेंट होगा, सिर्फ और सिर्फ रिजेम्बलेंस से, क्योंकि जो आपके एक्यूट प्रेसिपिटेट्स होते हैं वो छोटे व्हाइट कलर के होते हैं, स्मॉल राउंडेड व्हाइट, जो एक्यूट होते हैं, जब क्रॉनिक है वो लार्ज ग्रीसी येलो से कलर के होंगे, बिकॉज ऑफ द लार्ज सेल्स, मैक्रोफेजेस लार्ज है, एपिथेलॉइड सेल्स लार्ज है, तो वो सारे यहाँ पर डिपॉजिट हो जाते हैं ऑन द एंडोथीलियम ऑफ कॉर्निया, और आपके मटन फैट केराटिक प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं। तो ये बात इतना इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये आपका अलग से दो नंबर का इसी क्यों आता है कि व्हाट आर मटन फैट केराटिक प्रेसिपिटेट्स, आपको सिंपली लिखना होता है कि दे आर द इन्फ्लेमेटरी सेल्स इन क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन या क्रॉनिक इंटीरियर यूवियाइटिस व्हिच आर डिपॉजिट ऑन द एंडोथीलियम ऑफ द कॉर्निया, एंड दे आर ग्रीजी एंड ग्रेश व्हाइट और येलोइश इन अपीयरेंस, ठीक है, बस इतनी सी बात होती है। अगली जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आयरिस नोड्यूल्स। अब जाहिर है इन्फ्लेमेशन आयरिस पे है, तो आयरिस पे भी तो कुछ ना कुछ डिपॉजिट होगा ना, तो आपके पास ये देखिएगा, अगर हमारे पास एक सेकेंड, ये पूरा आयरिस है, सामने से हम देखते हैं तो हमें नजर आते हैं ऐसे करके आंख, एक सेकेंड यहाँ पर हम बनाएंगे ऐसे करके, यूं ही नजर आता है ना हमें, दरमियान में एक छोटा सा सुराख नजर आता है, इस सुराख को हम क्या कहते हैं? प्यूपिल कहते हैं। और हम क्या कहते हैं कि यहाँ पर ये जो सारा प्रेजेंट है ये सारा आयरिस है, आयरिस ही आंख को कलर देता है, ऐसा ही है ना। और आयरिस अगर चाहेगा तो प्यूपिल छोटा हो जाएगा, आयरिस चाहेगा तो प्यूपिल बड़ा हो जाएगा, सेम ही होगा, ठीक है। अब हमारे पास आयरिस की टिप पे अगर कोई सेल आके डिपॉजिट होगा, ठीक है, तो वो हमें यहाँ पर सामने से आंख को अगर हम देखेंगे तो वो ज़ाहिर आयरिस की टिप ये वाली जगह वो हमें यहाँ नजर आएगा, तो एक तरह से वो हमें लगेगा कि प्यूपिल के बॉर्डर पे प्रेजेंट है अगर आयरिस की टिप पे कुछ होगा। और आयरिस की सरफेस पे यहाँ पर कोई सेल प्रेजेंट होगा तो वो हमें इस तरह से यहाँ पर नजर आएगा, यानी कि ऐसे करके आपको प्यूपिल से दूर नजर आएगा। तो ये बात आपने याद रखनी है कि जो सेल्स आयरिस की टिप पे होते हैं उनको हम कहते हैं कैपीनोड्यूल्स, ठीक है, और जो सेल्स आयरिस की सरफेस के ऊपर होते हैं जो यहाँ पर हमें नजर आएंगे उनको हम कहते हैं बुसाका नोड्यूल्स। दो लोगों जिन्होंने इनको डिस्कवर किया तो उन्होंने अपने नाम पे इनका नाम रख लिया, कोई खास बात नहीं है, ये सिंपल से आपके ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन के सेल्स हैं, कुछ भी नहीं है, कोई खास बात नहीं, सिंपल सेल्स हैं जो डिपॉजिट हो गए हैं आयरिस की सरफेस पे, और मुश्किल मुश्किल से नाम इनको दे दिए गए हैं, जाहिर सी बात है कोई चीज़ मुश्किल भी तो करनी है ना, तो बस इतनी बात है, ठीक है। ये बात याद रखनी है कि वॉट आर कैपीनोड्यूल्स, कैपीनोड्यूल्स आर द ग्रेनुलोमेटस या फिर इन्फ्लेमेटरी सेल्स ऑफ द क्रॉनिक यूवियाइटिस डिपॉजिटेड ऑन द टिप ऑफ द आयरिस, एंड दे आर व्यूड एज ऑन, या फिर ये नजर इस तरह आते हैं जैसे दे आर ऑन द बॉर्डर ऑफ द प्यूपिल, टिप ऑफ द आयरिस इज बॉर्डर ऑफ द प्यूपिल ना, तो इसलिए। और जो आपके बुसाका नोड्यूल्स होते हैं दे आर ऑन द सर्फेस ऑफ द आयरिस, ठीक है, तो आपको ये प्यूपिल से दूर मिलेंगे, बस ये इतनी सी बात होती है, इसकी मैं आपको तस्वीर भी एंड में दिखा दूंगी। तो ये आपके सारे के सारे जो है पेशेंट के साइंस आपको ये नजर आएंगे। जो पेशेंट की अपनी कंप्लेंट्स होती है ना कोई खास नहीं होती, लाइक पेशेंट ज्यादातर प्रेजेंट ही तब करते जब कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो चुकी होती है, वरना वो प्रेजेंट करता ही नहीं है, क्योंकि उसको कोई मसला ही नहीं होता, उसकी आंख वाइट होती है, उसको कोई खास दर्द नहीं होता, कुछ मसला नहीं, तो हल्का फुल्का दर्द होता है जिसको वो इग्नोर कर देता है, और ये चीजें जो है इनको वो ज्यादा गौर नहीं करता, ठीक है। अच्छा, ये हमें साइंस और सिम्टम्स में, साइंस में हमें ये सब नजर आएगा, केपीज मिलेंगे, आयरिस पे नोड्यूल्स मिलेंगे, ये दोनों बहुत करेक्टरिस्टिक होते हैं फॉर द क्रॉनिक यूवियाइटिस। अब हमने ट्रीटमेंट क्या करनी है, सॉरी पहले तो हमने ट्रीटमेंट से पहले तो उसको
मेरी बात तो है कि अगर उसको कोई सिम्टम्स हैं तो हमने उसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देनी है, और जो कॉज है उसको रिमूव करने की कोशिश करनी है। इन्फेक्टिव कॉज है तो एंटीबायोटिक्स देंगे, नॉन इन्फेक्टिव है तो देखेंगे कि क्या मसला है, और साथ उसके हमने कॉम्प्लिकेशंस को बचाना है। कॉम्प्लिकेशंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपसे ये भी एक ऐसी क्यों आता होता है कि कॉम्प्लिकेशंस ऑफ क्रॉनिक यूवेटिस बता दें, बहुत सिंपल है, आपको जल्दी से बता देती हूँ। सबसे पहली चीज, आपके पास लेंस के पीछे पड़ा, सॉरी आयरिस और सेलिडी के साथ इधर एक पड़ा हुआ लेंस, तो जाहिर सी बात है कि लेंस में अगर इन्फ्लेमेटरी मटीरियल चला जाएगा तो आपका कैटरेक्ट हो सकता है। तो कैटरेक्ट एक बहुत कॉमन कॉम्प्लिकेशन है जो हो सकती है। फिर हमारे पास यहाँ पर इस जगह पर से ड्रेन होना होता है आपके एक्वस ह्यूमर ने, ये ट्रेबेक्यूलर मेशवर के यहाँ पर होता है, ठीक है, इरिडो कॉर्नियल एंगल। आयरिस में इन्फ्लेमेशन है तो जाहिर सी बात है कि इन्फ्लेमेटरी सेल्स इस एंगल को ब्लॉक कर देते हैं। ब्लॉक कर देंगे तो एक्वस ह्यूमर ड्रेन नहीं होगा, ड्रेन नहीं होगा तो सेकेंडरी ग्लोकोमा हो जाएगा। तो यहाँ पर ब्लॉकेज की वजह से भी सेकेंडरी ग्लोकोमा हो सकता है। और दूसरी चीज ये होती है, कभी कभार ना आयरिस इतना ज्यादा इन्फ्लेम हो जाता है, इतना मोटा हो जाता है कि वो जाके चिपक जाता है यहाँ पर लेंस के साथ, ठीक है। जब आयरिस लेंस के साथ चिपक जाता है ना, तो यहाँ से आपने, जब मैंने आपको पढ़ाया था ना ग्लोकोमा, तब भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि आयरिस बॉम्बे किस तरह होती है, ठीक है। ये लेंस है सपोज कर ले, और ये आयरिस है, और आयरिस चिपक गया। अब यहाँ सिलरी बॉडी एक्वस ह्यूमर सिक्रीट कर रही है। अब वो एक्वस ह्यूमर ने यहाँ से गुजर के इधर आना था एंटीरियर चैम्बर में, वो आ ही नहीं सक रहा क्योंकि आयरिस तो चिपका हुआ है लेंस के साथ। जब वो आ नहीं सक रहा तो वो यहाँ पर जमा हो रहा है, जमा होता जाएगा तो आयरिस मजीद फूलता जाएगा, इस तरह हो जाएगा ऐसे करके, ठीक है। आयरिस मजीद फूल जाएगा तो आयरिस और आगे कॉर्निया चिपक जाएंगे और ये एंगल बंद हो जाएगा, इसको कहते हैं आयरिस बॉम्बे हो जाना। तो इस वजह से भी आपका ग्लोकोमा हो सकता है, मतलब ग्लोकोमा कैन डेवलप इन एनी वे। एक तो ये बात होगी। फिर हमारे पास इतने ज्यादा कई बार इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं कि वो इस तरह से ना सरफेस ऑफ द यू करके, यहाँ पर अगर सिलरी बॉडी है ना एक, और ये सिलरी बॉडी है दूसरी, तो पूरी दोनों सिलरी बॉडीज के दरमियान में पूरी मेम्ब्रेन बन जाती है जो सारा का सारा आपका इन्फ्लेमेटरी एक्जुडेट होता है, उसको कहते हैं साइक्लेटिक मेम्ब्रेन। वो आपको ज्यादातर अल्ट्रासाउंड पे नजर आती है, ठीक है। ऐसे एक मेम्ब्रेन मिलती है जो एक से दूसरी सिलरी बॉडी पे जा रही होती है, तो ये भी एक कॉम्प्लिकेशन होती है, इससे पेशेंट की विजन बहुत खराब हो जाती है। फिर आयरिस सिलरी बॉडी के पीछे प्रेजेंट है कोरोइड, अगर कोरोइड में इन्फ्लेमेशन चली जाएगी तो कोरोइडाइटिस हो जाएगा, ठीक है। उससे पीछे क्या पड़ा हुआ है, मतलब कोरोइड के आगे इधर पड़ा हुआ है रेटिना, अगर रेटिना में इन्फ्लेमेशन चली जाएगी तो हमारे पास सिस्टोइड मैक्यूलर एडिमा, मतलब आपका रेटिनल इन्फ्लेमेशन और रेटिना में इन्फ्लेमेशन की जितनी चीजें वो होने लग जाती हैं। फिर हमारे पास यहाँ सेंटर में अगर ऑप्टिक डिस्क है, ऑप्टिक डिस्क तक बात पहुंचती है तो ऑप्टिक डिस्क में एडिमा हो जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ना, ये तो होगी आपने आगे से पीछे तक आके सारी बातें कर ली, मतलब आपने लेंस की ग्लोकोमा कर लिया, आपने बैंड केराटोपैथी, कोरोइड, रेटिना, ऑप्टिक डिस्क, यहाँ तक बात कर ली। अब आए जरा सा आगे की तरफ। हमारे पास क्या होता है कि इन्फ्लेमेटरी मटेरियल कभी कभार आपके कॉर्निया में इस तरह से डिपॉजिट होता है कि कॉर्निया पे आपको एक पूरा, देखने में आंख के आप ऐसे आंख को देख रहे होते हैं तो आपको ऐसे एक पूरा बैंड नजर आ रहा होता है, उसको हम कहते हैं बैंड केराटोपैथी। वो बैंड केराटोपैथी इज बेसिकली योर इन्फ्लेमेटरी एक्जुडेट विच हैज डिपॉजिटेड ऑन द सर्फेस ऑफ कॉर्निया सो मच कि उसने आपकी कॉर्निया को, क्लैरिटी को खराब कर दिया, ठीक है। तो ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है। उसके बाद बीच में यहाँ पर विट्रस रह गया था कि विट्रस में भी अगर सेल्स आ जाएंगे तो विट्रस ह्यूमर में ओपेसिटी आएगी, और वो पेशेंट को अपनी विजन में वो कहेगा कि मुझे दुखते नजर आते हैं, या मुझे विजन में डॉट्स डॉट्स नजर आते हैं, या मुझे धागे नजर आते हैं, मेरी विजन क्लियर नहीं है, ठीक है, अगर विट्रस में आपके इन्फ्लेमेटरी एक्जुडेट आ जाता है। कभी कभार ऐसा होता है कि आपकी इतनी ज्यादा सिलरी बॉडी की इन्फ्लेमेशन होती है कि इन्फ्लेमेशन की वजह से, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में क्या होता है कि चीज़ें बार बार डिस्ट्रॉय होती हैं और फिर हीलिंग होती है, फिर डिस्ट्रक्शन, फिर हीलिंग। डिस्ट्रक्शन की वजह से जो एट्रोफी हो जाएगी ना सिलरी बॉडी की, तो उसकी वजह से एक्वस ह्यूमर की सिक्रीशन कम हो जाती है, कभी कभार ऐसा भी होता है। और एक्वस ह्यूमर की सिक्रीशन कम हो जाएगी तो जो इधर एक्वस ह्यूमर की वजह से यहाँ टोन मेंटेन थी, वो टोन लॉस हो जाती है और आपका इंटीरियर चैम्बर फ्लैट हो जाता है, उसको कहते हैं हाइपोटोनी। तो ये भी हो जाती है कभी कभार, ठीक है। और जो एक सवेर चीज़ होती है वो ये कि हाइपोटोनी इतनी ज़्यादा हो जाए कि आंख छोटी और श्रंकन हो जाए और उसके अंदर काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस और भी हो, उसको हम कहते हैं फ्थाइसिस बल्बाई, श्रंकन स्मॉल आए जो किसी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के रिजल्ट में हो जाती है, जिसमें आपकी ना सिर्फ टोन ऑफ आई खराब होती है, अंदर आपको इन्फ्लेमेटरी मटीरियल ने और भी बहुत कुछ खराब कर दिया होता है। सो दीज आर ऑल अबाउट द क्रॉनिक इंटीरियर यूवेटिस, कॉज को ही ट्रीट करना मेन चीज़ होती है। यहाँ तक कोई बात समझना है, यू कैन आस्क मी। थैंक यू।